हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आकर पहुंच गए हैं मरदराजपुर। यहाँ की ऊपर जो हनुमान मंदिर वाटिका है वहाँ जाएंगे, कुछ नया देखेंगे। मेरे माँ, मेरे बच्चे सब आए हैं मेरे साथ। ये जंगल है चारों तरफ। कितने बड़े बड़े पत्थर देखिए ना, कोचला नु होगी ना टा मु कहू छु। ये त्रिनाथ जी का मंदिर, ये नृसिंहनाथ का मंदिर। आसो आसो नहीं बाड़े भी तो खसी पड़ो तापर जान। मेरे दो हीरो, ये बड़ा बड़ा ज्यादा हीरो बन रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग देखने आते हैं, लेकिन हम थोड़ा धूप में आ गए, थोड़े देर से आते तो अच्छा होता। नहीं आगे चाहे पर देखिए। ए आयु जोता खोल ना। मामा ये ठक को यहाँ लैट्रिन बाथरूम का भी सुविधा है, पानी का, पीने का पानी। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है, गांव है इधर। ये शायद स्टोर रूम है। अष्ट शंभु है ये। आयु कहीं पानी की सुविधा चारों तरफ है।
यज्ञ होता है यहाँ। यहाँ से पूरा गांव दिखता है, जी का मंदिर है। एक जगह में बहुत कुछ है, ये ऋषियों का शायद, मुझे ऐसा लगता है ऋषियों का, देवा देवियों का स्थान है। ये माँ का भगवान है, तो माँ तो है ही, ये माँ का मंदिर है। यहाँ से देखिए गांव कैसे दिखता है, पूरा गांव यहाँ से दिखता है। मेरा कैमरा इतना कैच नहीं कर पा रहा है, ये बहुत सुंदर दिख रहा है। ये विश्राम कक्ष है, ये रोड मने मंजी पड़ी गई ऐसा कट रहा है, फुल फुट से पत्र उड़ा देते हो। ये देखो उस तो वैसे ना बहुत है, थोड़ा देख खा ये जा मैं तो मैं हो। चलो सेपरेट देख दे, अच्छा पत्थर ऊपर है ये रखे दे हैं। ये दुकान है यहाँ, आप खरीद भी सकते हैं ठंडा या कुछ चीज़ें भगवान के लिए, दीप जैसा कुछ है। सब आइसक्रीम खा रहे हैं, आदि का फेवरेट आइसक्रीम बटरस्कॉच। ये मुख्य मंदिर का जो नीचे सारे देवता हैं, पार्श्व देव इनको बोल सकते हैं, मुझे लगता है ये नवग्रह हो सकते हैं। ये घर अभी तैयार हो रहा है और ये बहुत आगे जाएगा मुझे लगता है। मुँह धोई तो कुछ आप लोगों को यहाँ आना चाहिए। ये मुख्य द्वार की आगे हम लोग जो बोल देखे हैं या सुने हैं कि भगवान जो हाथी को रक्षा किए थे, कुंभीर उनको उसके पैर को काट रहा था, तो कितने सुंदरता से उसको दिखा रहे हैं। अंदर कछुआ भी है, ये बहुत अच्छी जगह है, मुझे देख लो। कछुआ है, बहुत सारे कछुए हैं इसके अंदर,
सुंदर सुंदर कछुए हैं, बहुत सारे कछुए। पास से जाने के लिए मना किए हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी जगह है। देखिए दिख रहा है या नहीं, मुझे दिख रहा है बहुत सारे कछुए हैं अंदर, बहुत सारे कछुए हैं। वन दुर्गा के मंदिर को रास्ता, ये नवदुर्गा दस महाविद्या, शिव पाखे पार्वती, पार्वती पाखे शिव, निश्चय थे तू जिते जहा कर। ओह ये बाटे जाइंट कि मैंने ये वैष्णो देवी के लिए जो रास्ता है, कितने छोटे जगह है देखिए। वन साइड होके आप जा सकते हैं, थोड़े मोटे मेरे जैसे थोड़े मोटी हो तो, और थोड़ा मोटा हो जाने से जाने को नहीं होता चाइनीज। हम आके पहुंच गए, बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है। वैष्णो देवी के लिए हम जा रहे हैं। कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखे, तीखे तीखे पहाड़। वैष्णो देवी की माँ का मंदिर है। ये रास्ता गाड़ी आने के लिए है, उस तरफ हम जिस तरफ से आए थे वहां से हम चलकर आ सकते हैं, वो सीढ़ी है। ये हमारा गाड़ी से गाड़ी आ सकता है, मतलब वो गांव के भीतर से आकर यहाँ से गाड़ी आ सकता है। हमारा गाड़ी नीचे रहा, हम लोग आए चल के सीढ़ियों से, लेकिन काफी लोग यहाँ बाइक और गाड़ी लेके आ रहे हैं। बस रास्ता तीखा है, यहाँ से गाड़ी से आ सकते हैं। ये गांव है, नीचे पानी का टंकी है। तो बहुत अच्छा लगा आके, हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा आके। और मेरी माँ तो बहुत खुश हुई, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हुए। यहाँ फिर यहाँ इतने पास इतना खूबसूरत मंदिर हो सकता है, लेकिन है। और ये सारी सुविधाएं हैं, आप लोग यहाँ आइए देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय जगन्नाथ। तारिणी जी का मंदिर है, तारिणी माँ का मंदिर। ये जो समान भुवनेश्वर बरमुंडा को जीव, भुवनेश्वर बरमुंडा जीव, डिटो एमती है येटा कौन कहल माँ तारिणी का मंदिर है। मैं तारिणी माँ का मंदिर जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ माँ का दर्शन हो गया। यहाँ से हम लोग विदा लेंगे और माँ जब